अभी कुछ बोया हुआ है इसमें, अब कोई लेकर जाएगा तो तीनों साइकिल लेकर जाएगा। ये सब रास्ते जो बनाए गए हैं दोस्तों, ये पत्थरों की खदानों को काट कर बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हम निकले हैं साइकिलिंग करने के लिए और अभी हम खड़े हैं पोरबंदर सोमनाथ हाईवे पर। हम आपको नज़ारा दिखाएंगे सब, और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है तो वो भी दिखाएंगे। सनराइज़ होते वक्त बहुत अच्छा नज़ारा होता है, तो मिलते हैं आगे जाके। ये दोस्तों आप वो हाईवे देख सकते हैं, ये मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया है जैसे मतलब इस पर एरोप्लेन चलता हो, उस तरह का रनवे जैसा बना दिया है। और ये खेत खलिहान आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये खेत खलिहान सब, अभी कुछ बोया हुआ है इसमें। और ये हम एक ओवर ब्रिज पर खड़े हैं, और ये विंड फार्म भी है पास में। यहाँ पर पास में ही ओड़दर गांव है और वहाँ विंड फार्म भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये पवन चक्कियाँ जो है वो घूमती रहती है दिन रात और पावर जनरेट करती है, और इसमें से ज़्यादातर मुझे लगता है कि सभी सुजलोन की है जो मार्केट के साथ घूम रही है, दिन रात घूम घूम के उसके प्राइस बढ़ा रही है। ये वो पवन चक्कियाँ है सब। यहाँ से सोमनाथ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और भावनगर है 380 किलोमीटर की दूरी पर। और ये सब रास्ते जो बनाए गए हैं दोस्तों, ये पत्थरों की खदानों को काट कर बनाए गए हैं। ये कुछ खदानें भी हमें दिख रही है पुरानी, जिनमें से यहाँ के मशहूर पत्थर निकलते हैं जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ होते हैं। ये पुरानी खदान है सब, जो अभी बंद हो गई है, उसको काट के ये रास्ता बनाया गया है। देखिए दोस्तों सनराइज भी हो गया है, थोड़ी धुम्मस की वजह से आज देरी से हुआ। सुबह सुबह नज़ारा बहुत अच्छा होता है और फ्रेश हवा में घूमने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों अभी टी टाइम चल रहा है गर्मा गर्म चाय के साथ। दोस्तों हम अभी ओड़दर के पास जो रंगबाई माता जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों अक्सर साइकिल को लॉक करने के लिए जो व्यवस्था होती है, तो लेकिन दो साइकिल में तो लॉक है ही नहीं, लेकिन एक साइकिल में लॉक था, तो हमने ऐसा आइडिया करा कि एक ही लॉक से तीनों साइकिलों को जोड़ दिया। ये देखिए अब कोई लेकर जाएगा तो तीनों साइकिल लेकर जाएगा। बहुत ही अच्छी जगह है और शांत वातावरण है। अभी सुबह सुबह बहुत लोग भी नहीं आए हुए हैं, वरना यहाँ पर बहुत लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए। वैसे आज संडे है और बहुत अर्ली मॉर्निंग में कोई नहीं है। कैमरा भी है और ये तस्वीर खींच रहे हैं, और ये
आप देख सकते हैं। मित्रों एक सरस वाक्य वाँचवा मळी गयुं छे, आपनी साथे शेर करूँ कि संघर्ष जेटलो कठिन हसे सफलता एटली ज मोटी अने शानदार हसे। खूब साचू लख्यू छे, जेणीए लख्यू होय तेने खूब धन्यवाद। मित्रों जीवन में संघर्ष वगर सफलता नथी एने आ वाक्य लागू पड़े छे, अने जेटली जेटलो संघर्ष करशो ने एटली सफलता मीठी लागशे। दोस्तों हम यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं पोरबंदर की तरफ। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हुए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जो हम पहले आए थे वो दूसरा वाला रास्ता था और ये दूसरा वाला रास्ता है, जो मतलब हाईवे बनने से पहले वाला रास्ता